कुदरत का प्रहार लगातार जारी है। गुजरात और महाराष्ट्र में तो सैलाब पहले से ही चुनौती बना हुआ था, अब पश्चिम बंगाल पर आसमानी आफत का कहर टूटा है। राज्य के आसनसोल जिले में इस मौसम की वजह से सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में मची उथल पुथल ने आसनसोल में ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ बर्बादी का खौफनाक मंजर साफ दिखाई दे रहा है। जमुरिया विधानसभा क्षेत्र की रानीवाती पंचायत में सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों को अपने घर की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि बीते 24 घंटे में आसनसोल में 345 मिलीमीटर बारिश हुई है। आसनसोल में हुई इस जबरदस्त बारिश ने 1978 में आई बाढ़ की तस्वीरों को ताजा कर दिया। आलम यह हो चुका है कि इलाके के कई घर सैलाब में समा चुके हैं, जिस वजह से लोगों की दुश्वारियाँ बढ़ गई। कुदरती आफत, चारों तरफ पानी लबरेज है, हर लोग बेहाल हैं। खास मैं अपने जुबान से जो कह रहा हूँ, आज मेरा भी घर उसी हाल में, उसी कटघरे में है, लेकिन यहाँ का कुदरती आफत तो है ही है, वो अपनी जगह पे हर लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हो या जिम्मेदार अफसरान हो, जो भी हो है, जब गैप मिलता है कि रेल पार में ऐसा घटना आए दिन होता है, लेकिन अलग से कोई मैप बना करके इसके लिए कोई जगह नहीं बनाया जाता है। आसनसोल से ही आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। बाढ़ के इस भयावह मंजर ने त्रिपुरा इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। घर की छतों तक पहुंच चुके पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि इलाके के तमाम लोगों को अपने घरों को खाली करने पर मजबूर होना पड़ गया। इतना ही नहीं, सैलाब की वजह से हाईवे भी डूब चुका है, जिस वजह से सवारियों की आवाजाही पर खासा असर पड़ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा कल्ला पुल और उसके आसपास के इलाके में हुई तबाही को देखकर भी लगाया जा सकता है। महज 6 महीने पहले बनकर तैयार हुआ यह पुल बारिश के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सका और चंद घंटों के भीतर ही इसकी ये हालत हो गई। आसनसोल में हालात किस कदर खराब है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि वहाँ पर 150 से ज्यादा शिविर लगाए गए हैं, जहाँ 13,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है लोगों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाने की, इसीलिए एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमों के साथ ही सेना को भी उतार दिया गया है। उधर पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटल में डीवीसी और दुर्गापुर बैराज से छोड़े गए पानी का असर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सैलाब की प्रचंड लहरों ने इमारतों की नींव को खोखला कर दिया है, जिस वजह से कई मकान सैलाब में समा चुके हैं। दक्षिण बंगाल में हुई जबरदस्त बारिश ने दुर्गापुर बैराज को पूरी तरह से भर दिया। यही वजह है कि एक बार फिर बांध से 2,14,900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से हावड़ा, हुगली और बर्दवान जैसे इलाके सैलाब की जद में आ गए। दिन रात यहाँ के आबादी वाले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सितंबर बीत चुका है, अक्टूबर की तारीख लग चुकी है, लेकिन मौसम ने जिस तरह से करवट ली है वो अपने आप में हर किसी को हैरान कर रहा है, क्योंकि मॉनसून की शुरुआत में जिन राज्यों में औसत से बेहद कम बारिश हुई, अब उन राज्यों